रिहर्सल्स होने वाली है मेरी, हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ एक ही दिन में होने वाला है, तो इस वजह से हम लोग जल्दी उठ गए हैं। और फिलहाल तो देखो चाय पी रही हूँ, अभी तो चाय नसीब हुई है, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ मिलता है खाने के लिए, क्योंकि अभी तो सभी लोग अपने नहाने धोने में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम है। आज मैं आ गई थी ऊपर छत पर लैला मैडम के साथ, क्योंकि ये मेरा पीछा तो छोड़ नहीं रही है। ये देखो 2400 घंटे मेरे पीछे पीछे भाग रही है, एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ रही है मुझे। लैला चलो लैला। खाने का पूरा सिस्टम हमने ऊपर छत पे किया हुआ था। फिलहाल ये लोग नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं और मम्मी इधर बूढ़े बाबू की तैयारी करवा रही थी, और फिर मैं बैठ जाती हूँ उपटन कराने, क्योंकि मम्मी ने बोला था नहाने से पहले उपटन करा लो, तो मैं इधर उपटन कराने के लिए बैठ गई थी, शायद ग्लो वगैरह की वजह से अच्छे से ग्लो आ जाए। तो दूध डरवाए ना तो मैंने जीता छूट जावा पानी थे तो मैंने तो कही फिर मत डालो, मैंने पूछी ना ही दोस्त दे। हाँ बस तो सवन के में जाते हैं, सवन के में ऐसे ही जाता टाइम टाइम तो तेना तो अपना सगाई में आई ना आ रही और दे बाकी दे सगाई में गई ब्याह में गई बाकी में ऐसी करके गई तो गई तो थे। फिर आ जाती है चूड़ी पहनाने वाली दीदी, तो मैं अपनी चूड़ी पहनती हूँ दो दो, उसके बाद सब लोग हरी लाल चूड़ियाँ पहनते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि जैसा आउटफिट हो उसके कलर के अकॉर्डिंग, सो हमारे यहाँ सब लोग हरी लाल चूड़ियाँ पहनते हैं। हल्दी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला था तो हम डेकोरेशन देखने के लिए आए थे और लाइट वगैरह भी लगा रहे थे भैया, तो वो सब सेट कराना था। तो ये सब सेट कराने के बाद फिर हम नीचे गए क्योंकि अभी तैयार होना था, लेकिन मैं अभी ऐसे ही घूम रही हूँ, अभी मेरी कुछ रस्में होने वाली हैं तो वो थोड़ी देर में स्टार्ट होंगी, तब तक घर वाले सारे तैयार हो जाते हैं। सो अब स्टार्ट हो गई थी रस्म, तो सबसे पहले थी तेल, और पंडित जी ने इतने तेल निकाले थे ना, पूरी शादी में 5 तेल निकाले थे और तेल से मेरे पूरे कपड़े ही इन लोगों ने खराब कर दिए थे, इसीलिए मैंने शादी की सारी रस्में सिर्फ एक ही आउटफिट में निकाल दी कि जितना करना है इसी को खराब कर लो। यहाँ की सारी रस्म होने के बाद फिर सब लोग खाना खाने के लिए आ गए थे। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि 2 बज चुके हैं, अभी होगा हल्दी का फंक्शन, तो उसके लिए अभी मैं तैयार हो रही हूँ, सबसे पहले साड़ी वगैरह पहन के। और हल्दी के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं ली थी मैंने, रियल फ्लावर्स की ज्वेलरी बनवाई थी। तो मैं तब तक तैयार होकर फ्री होती हूँ, तब तक कैमरे वाले भैया भी आ जाते हैं, फिर मैं लग जाती हूँ सबसे पहले अपने फ़ोटोशूट कराने, क्योंकि फ़ोटोशूट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और चेक करती हूँ कि सही आया है या नहीं क्लिक, तो मैं दोबारा उसका रीटेक करती हूँ। पहले मैं अपने ढेर सारे फ़ोटो क्लिक करवाती हूँ, उसके बाद हल्दी का फंक्शन। और मैं ही पागल नहीं हूँ, मेरा पूरा खानदान पागल है, क्योंकि सब लोग अपने फ़ोटोशूट में लगे हुए थे और हल्दी का फंक्शन हो चुका था, हल्दी लगाने का ब्लॉग शूट नहीं हो पाया था, तो इस वजह से मैंने वो दिखाया नहीं। अब हो चुका था मेहंदी लगवाने का समय, और मेहंदी की टाइमिंग मैंने रखी थी 5 बजे से, कि मैं मेहंदी 5 बजे से लगवाने बैठूंगी, तो रात को फ्री हो जाएंगे हम जल्दी, कैमरे वाले भैया भी आएंगे और संगीत वगैरह तभी था। लेकिन मेरी मेहंदी स्टार्ट होती है रात के 10 बजे से, ऊपर से इतना ज़्यादा लेट हो गई थी और ये लैला की बच्ची मेहंदी लगाने नहीं दी थी, इतना ज़्यादा इसने परेशान कर दिया, इसे भांत के रखा, जब जाके कहीं इसने मेहंदी लगवाने दी, ऊपर से इतना ज़्यादा लेट हो गए थे ना, और दूसरे दिन शादी थी, तो मैं सुबह के 3 बजे फ्री हुई थी मेहंदी लगवा के, क्योंकि दोनों हाथों पर पैरों पर मैंने मेहंदी लगवाई थी और लगाने वाला सिर्फ एक था, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो भांत पहनाने का भी फंक्शन आज ही रखा गया था और भांत काफ़ी लेट पहना गया था, क्योंकि 9-10 बजे मैंने मेहंदी स्टार्ट की थी, उसके बाद भांत हुआ था करीब 11 बजे के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा काम था आज के दिन। भैया ले लेके आओ, संग फर्स चला के चला, पापा जी आ जाओ। <लिया। laughs>
थाली में कर ले आओ। बात होने के बाद अब मैं फिर से आ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए, और मेहंदी के लिए मैंने इतना कुछ अरेंजमेंट किए थे ना, मैंने कपड़े खरीदे थे, सब कुछ सेट किया था कि इस टाइमिंग पे ये होगा, इस टाइमिंग पे ये होगा, बट एंड में कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मिला क्या मुझे, बाबा जी का ठुल्लू, मेरे कपड़े वगैरह सब कुछ रह गए कि रील बनाऊंगी, इसमें गाने पर ये शूट करूँगी, ये शूट करूँगी, कुछ नहीं हुआ था। बस कुछ वक्त पहले मुझे एक चीज़ समझ में आई थी कि जितना मिले उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारे ही अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हों, तो उसकी वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हुआ या नहीं। बस थोड़ा बहुत बुरा लगता है कि सोचा इतना था और हुआ कुछ भी नहीं, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ था, बाकी का पूरी फंक्शन तो मेरे अच्छे ही हुए थे। खैर इस ब्लॉग को तो यही एंड करते हैं। यार चैनल पर फिर से व्यूज़ गिर गए हैं, आप क्यों नहीं देख रहे हो, जाओ ना फटाफट से देखो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।